नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। जैसे कि इकले मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया जा रहा है और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है, इकलेरा में कैसे देखने को मिल रही है कोरोना संक्रमण? सब घरों में बैठे हैं, दुकानदार दुकान बंद करके बैठे हैं जी। राजगढ़ जिले के इकलेरा में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कम से कम 1 अप्रैल से 17 मई तक 25 लोग की मृत्यु हो चुकी है। शासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ग्राम पंचायत द्वारा इधर गांव में दवाई का छिड़काव वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। शमशान घाट में भी जी, ये सरकार की तरफ से नहीं कुछ किया जा रहा है या जनता जो नगर पंचायत के कार्यकर्ता हैं वो नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं, सरकार तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, ना ग्राम पंचायत की तरफ से कुछ हो रहा है मैडम जी। जैसे कि कोरोना संक्रमण की तेजी रफ्तार से जैसे कि पता लगा कि ये पहली लहर पीछे थी और दूसरी लहर, और पहली लहर में दूसरी लहर में आपको कुछ क्या ज़्यादा तेजी कुछ दिख रही है ऐसा कुछ? जी मैडम, दूसरी लहर में ज़्यादा तेजी दिख रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा मृत्यु का वो है जी। इकलेरा छोटा सा ग्राम पंचायत क्षेत्र है, नरसिंहगढ़ तहसील जिला राजगढ़ का। इसमें करीब 1 अप्रैल से मई तक 17 मई तक 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी। सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, वैसे ग्राम पंचायत का अधिकार है इसमें ध्यान देने के लिए। संजय जी, जैसे कि पता लगा शासन और प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार को देखते हुए, वही बता दें क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि जो मृत्यु दर की संख्या है जो बढ़ती जा रही है, क्या शमशान घाट में एम्बुलेंस की सुविधाएं या सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं, जैसे कि सभी लोगों को पता लग रहा है इस समय बहुत ज़्यादा खबरें हमारे सामने पेश हो रही है कि जैसे कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ रही है, क्या ये इकलेरा में भी देखने को ऐसा मिल रहा है? ऐसी कैसी स्थिति है यहाँ अपने हॉस्पिटल में, ना तो कोई एम्बुलेंस की वो है, ना कोई सिलेंडर की है। इकलेरा हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और भी पब्लिक इधर साइड में है, पर दूर है, आप उनसे चर्चा करवा सको, आप बोलो तो जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए कि कैसा मतलब ये संक्रमण से क्या क्या लोगों को सहयोग मिल रहा है, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है? पब्लिक बहुत कुछ भी नहीं, घंटे के लिए अच्छे मेडिकल की डेयरी दुकान खुलने के लिए है, 24 घंटे के लिए, बाकी तो किराना वगैरह फल फ्रूट।